गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह, आई एम योर मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर का पढ़ लिया था। आज की एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले भी इन्फॉर्म किया जा चुका है बुक एंड कॉपीज परचेज करने के लिए। आप अपने बुक एंड कॉपीज परचेज कर लीजिए, जिससे जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए जाते हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें एंड उनसे रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो आप उसमें कर सकें। तो सबसे आपका पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपकी बुक्स एंड कॉपी परचेज करिए, जिनसे ये क्लासेस जो चल रही है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास बुक्स नहीं है तो आप, मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर ये ओपन करिए, देन आपके पास बुक्स नहीं है तो कुछ कैसे करेंगे। आई होप कि कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, जो भी नहीं किए हैं वो भी एक दो दिन में कर लेंगे। तो सो स्टार्ट करते हैं हम आपका एक्सरसाइज 1.2 के लिए। इस एक्सरसाइज में हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर का कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ये एक्सरसाइज 1.2। तो इससे पहले आप लोग प्लीज़ बुक्स परचेज कर लीजिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन अपने एक्सरसाइजेस को। हम एडिशन, आप पेज नंबर ओपन करिए, पेज नंबर आप 9 ओपन करेंगे, उस पर है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। हम कैसे किसी रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो चेक करते हैं। तो सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कोई रैशनल नंबर p अपॉन q एंड r अपॉन s, या ऐसे r अपॉन s दिया गया, इसको हम कैसे प्लस करें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, p इंटू s कर देंगे एंड सॉरी p इंटू s नहीं q इंटू s, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एंड p इंटू s प्लस r इंटू क्यों, ये एक फॉर्मूला आपका बन जाता है इस तरह करने से। आई होप इस पे आप लोग समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो मैं डिजिट को लेकर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले रैशनल नंबर सॉल्व प्लस करने के लिए दो कंडीशंस, व्हेन अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट केस है केस वन, व्हेन when denominators are same, means p upon q plus r upon q, तो क्या हो जाएगा p plus r upon q। example 5/7 plus 8/7, answer is, यहाँ पर आपका जैसे denominator q है same q लिखा गया, यहाँ पर 7 and 5 plus 8 13, या आप पहले लिख लीजिए 5 plus 8 is equal to 13 upon 7। ये तब के लिए है, या केस वो है पहला केस जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं, तो हमने क्या किया प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज वैसे ही रहेगा। ये हो गया व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन पी प्लस क्यू अपॉन आर क्यू, आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर अपॉन क्यू। पहला आपका रैशनल नंबर ये है, दूसरा ये है, जिनमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है हमने इजिली ऐड कर दिया। अब आपका सेकेंड केस आता है जब व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, क्या डिफरेंट, When denominators are different, अगर denominator क्या है आपका different है तब क्या करो। चलिए एक example ले लेते हैं हम लोग, जब इनका denominator क्या होगा different होगा, उसमें मान लीजिए 5/9 plus 3/18 या 8/18 ले लेता हूँ, 8/18 ये example है। अब आपको इसमें डिनोमिनेटर क्या है चेंज है डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये लाइक अनलाइक है, इनको लाइक में करने के लिए इनके डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है सेम करना पड़ता है। तो जब डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है एलसीएम ऑफ 9 and 18। देख लीजिए आप 9 and 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 9 1 9 9 2 18 2 1 0, तो आपका एलसीएम क्या आया 9 into 2, एलसीएम इज 18। मींस इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है 18। तो एक फ्रैक्शन, एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 18 है एंड आपको केवल एक ही रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 18 बनाना है। ये मैं एलसीएम रफ कर दूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ इनको, आई होप आप लोग कर लिए होंगे। देन एलसीएम इज 18 है, तो 5 बाई
9 की टेबल में कितनी बार कितने टाइम्स में 18 आता है, 2 टाइम्स, देन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लीकेशन, एंड 10/18 ये हो गया, एंड सेकेंड 8/18 दिया था तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 18 बन जाए 18, देन 8/18। अब हमारे पास क्या बन गया, 10/18 प्लस 8/18। अब क्या हो गया, जैसे हमने पहला केस बताया था डिनोमिनेटर आर सेम, तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो फर्स्ट केस अप्लाई कर देंगे, 10+8/18 मीन्स 18/18। इसको आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया जब इनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, मीन्स डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस करना है प्लस कर देंगे, या माइनस दिया गया है तो माइनस कर दिया जाएगा। ओके, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन में भी देख लीजिए, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, अगर सब्ट्रैक्शन में सेम अप्लाई करेंगे जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं सेम 5/3 माइनस 2/3, आंसर इज 5-2/3 देन 3/3, यहाँ से ये भी कट जाएगा 1 आ जाएगा, अगर नहीं कटता तो वैसे ही रेशनल नंबर रहने देंगे। क्लियर, तो ये है आपका रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने का, इसमें भी यही है। चलिए, अगर इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तब क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तब नेक्स्ट हमारा है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाता है देन क्या करेंगे, तो -13/ ले लेता हूँ 25 एंड -7/40, ये आपका एक एग्जांपल है जिसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनका एलसीएम पहले सेम करना पड़ेगा, क्लियर, एलसीएम लेना पड़ेगा इनके डिनोमिनेटर्स का। तो 25 एंड 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 25 एंड 40 क्या आएगा आपका, 25 एंड 40, सबसे पहले 5 की टेबल से 5 जा 25, 5 जा 40, क्लियर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 and 8 × 5, आप यहां से लिख सकते हो 5 1 जा 5 and 8, एंड 2 से आप 3 टाइम करोगे 2 4 जा 2 2 जा and 2 1 जा, तो एलसीएम आपका आया 5 × 5 × 8, 5 5 जा 25 25 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा 200, तो एलसीएम आपका आया 200। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमको क्या मेक करना है, क्या फ्रेम करना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखता हूँ, -13/25 की टेबल में 200 कितने टाइम में आता है, 8, देन 8 यहाँ से -24/200, एंड सेकेंड वन 7/40 मल्टीप्लाइड बाई 5 35/200, देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो -24/200 प्लस 35, यहाँ माइनस दिया गया, माइनस रखेंगे, -35/200। अब मैंने क्या बोला, आपके दोनों साइन क्या है सेम है, यहाँ पर देखिए -35 and -24, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या आ जाएगा 5+4 9 एंड 2+3 5 -59/200, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। इस तरह से हम इनको सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लेंगे। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं, इनमें से क्या करना है, सबसे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसा कोई रेशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर सेम हो और उनको प्लस करना है तो बस उनके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है एंड डिनोमिनेटर एज इट इज जो होगा वो लिख देंगे। अगर दूसरा केस है कि डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तब क्या करेंगे, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो फर्स्ट वी टेक एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम हमारा फाइंड होता है वही दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को, या दो से ज़्यादा भी अगर रेशनल नंबर दिए तो उन सबके डिनोमिनेटर को वह एलसीएम मेक करना पड़ता है। वो कैसे होगा, बाय मल्टीप्लीकेटिंग, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा उन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम सबके एलसीएम को सेम, सॉरी सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट केस अप्लाई कर देंगे कि प्लस करना है तो न्यूमरेटर आर प्लस एंड डिनोमिनेटर्स एज इट इज लिख दिया जाएगा।
तो ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी क्लियर हो जाएगा, वहाँ माइनस कर देना है। अब आपका आया कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब मैंने आपको ये क्लास 7 में आपने पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वगैरह इंटीजर्स का, ऐसे रेशनल नंबर का भी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों एक साथ देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर अगर आप ओपन करना चाहें तो कर लीजिए, 12 पर दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, वो हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर ऐड करेंगे हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे पी अपॉन क्यू प्लस पी अपॉन यहां पर आर अपॉन एस, दो रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर है, इनका भी आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। एंड सेकेंड आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है कि कोई भी रेशनल नंबर ऐड करे वॉट एवर, उनका वो ऑर्डर जो है वो कैसा भी हो हमेशा आंसर वही आएगा जो पहले आता था। जैसे अब मान लीजिए मैं इसको लिखूं p अपॉन q प्लस r अपॉन s इज इक्वल टू r अपॉन s प्लस p अपॉन q, ये सेम, चाहे जो उनका ऑर्डर मेक करूंगा मैं वही आंसर सेम आएगा, p अपॉन q प्लस r अपॉन s या r अपॉन s प्लस p अपॉन q, क्लियर, वो सेम आएगा ऑर्डर उनका कोई भी हो, ये हमको कहता है कौन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आया एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा है तो ग्रुप करके अगर हम, जैसे p अपॉन q प्लस r अपॉन s प्लस x अपॉन y, अब मान लीजिए मैं इन दोनों को पहले ग्रुप कर दिया कि मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा देन इसको ऐड करूंगा, तो ये कहते हैं कि ऑर्डर आप कोई भी ग्रुपिंग कर लो आंसर हमेशा तब भी सेम आएगा। अब मैंने क्या p अपॉन q प्लस r अपॉन s प्लस x अपॉन y में हम इन दोनों को ग्रुप कर दें बाद में इनको ऐड करें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, कोई डाउट। तीन प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना होगा। इसके बाद आता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स फोर्थ हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स किसी भी नंबर को साइन चेंज करना, मान लीजिए पी अपॉन क्यू है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस पी अपॉन क्यू हो जाएगा, या माइनस आर अपॉन एस है उसका एडिटिव इनवर्स आर अपॉन एस, मीन्स जो भी नंबर रेशनल नंबर दिए होंगे उनके साइन को हम चेंज कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स, क्लियर। जैसे पी अपॉन क्यू, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस पी अपॉन क्यू, इसका ये भी एक कह सकते हैं कि जो नंबर है उसका पी, उसका एडिटिव इनवर्स अगर दोनों ऐड करें तो आंसर जीरो आना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करेंगे तभी आंसर जीरो आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव, क्लियर। अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि आपको क्लास 7 में भी पढ़ाया गया है। एडिटिव आइडेंटिटी मैं किसको रफ कर देता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी को रफ कर देता हूं। एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि कोई भी पी अपॉन क्यू अगर रेशनल नंबर्स में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारा पी अपॉन क्यू ही आता है। ये आपको पांच प्रॉपर्टी ऐसी दी गई थी जो आपको क्लियर हो गई, कौन कौन सी है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी रेशनल नंबर ऐड करते हैं उनका आंसर रेशनल नंबर ही आता है। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं वॉट एवर उनका ऑर्डर कुछ भी आगे पीछे कैसे भी करके ऐड कर रहे हैं आंसर हमेशा सेम आएगा। थर्ड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मोर देन टू रेशनल नंबर तो उनको हम ग्रुपिंग करके उनका ऑर्डर कैसे भी आगे पीछे कैसे भी ग्रुप करके करेंगे आंसर सेम आएगा। एंड आपका आया चौथा एडिटिव इनवर्स, जो कि किसी भी नंबर दिया, कोई रेशनल नंबर दिया गया उसका जस्ट साइन हम अपोजिट कर देंगे वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम किसी भी रेशनल नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर उसका क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, क्लियर, ओके। इसी तरह हम आपका सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में केवल दो प्रॉपर्टी फॉलो करती है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, बाकी ना ये हमारा कम्यूटेटिव फॉलो करता है ना ही आपका एडिटिव इनवर्स फॉलो करता या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी नहीं फॉलो करता, ये एक एडिटिव आइडेंटिटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी केवल दो प्रॉपर्टी हैं जो फॉलो करते हैं।
भाई किसी भी रैशनल नंबर में से जीरो माइनस करोगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी में, चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए आंसर तो रैशनल नंबर ही आएगा, तो इसलिए वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। इस बेस पर आपका एक्सरसाइज 1.2 आपका होमवर्क है, सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, मैक्सिमम 9 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 9 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में हर एक पार्ट को करके रखना है। आप मुझसे जब भी आपको टाइम मिले मुझसे चेक करवा सकते हैं कॉपीज, आप व्हाट्सएप करके चेक करा सकते हैं, ओके। सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज में नोटबुक जो अपने फेयर बनाएंगे मैथ्स की उसमें A to Z होना चाहिए, ओके। थैंक यू क्लास।